गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी चैप्टर नंबर 7 अलजेब्रा। जैसे कि हम मैथ्स में ज्योमेट्री के बारे में पढ़ते हैं, नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं, उसी तरीके से हम मैथमेटिक्स में अलजेब्रा भी पढ़ते हैं। ये भी मैथमेटिक का एक अदर ब्रांच है। सबसे पहले हम इसको पैटर्न के थ्रू समझेंगे। यहां पे मैचस्टिक्स के थ्रू क्या बनाया गया है, लेटर एल बनाया गया है। तो जब एक एल बनाया तो कितने मैजिस्टिक्स लगे, 2। जब 2 एल बनाए तो कितने मैजिस्टिक्स लगे, 4। जब 3 एल बनाए तो कितने मैजिस्टिक्स यूज हुए, 6। तो ये क्या है, एक पैटर्न है। 1 एल 2 मैजिस्टिक्स, 2 एल 4 मैजिस्टिक्स, 3 एल 6 मैजिस्टिक्स। अब इसी को हम ट्रायंगल के थ्रू समझेंगे। तो यहां क्या है, एक ट्रायंगल को बनाने में कितने मैजिस्टिक्स ज्वाइन हुए हैं, 3। और तो नंबर ऑफ ट्रायंगल 1 एंड नंबर ऑफ मैजिस्टिक्स 3। नेक्स्ट में कितने ट्रायंगल्स बनाए हैं, 2। तो कितने मैजिस्टिक्स यूज हुए हैं, 6। उसी तरीके से जब 3 ट्रायंगल्स बनाए गए तो कितने मैजिस्टिक्स यूज हुए हैं, 9। देन जब 4 ट्रायंगल्स बनाए हैं तो कितने मैजिस्टिक्स हुए, 12। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर 5 ट्रायंगल्स बनाएंगे तो मैजिस्टिक्स की संख्या कितनी हो जाएगी। फ्रॉम द अबव टेबल वी कैन इजीली फाइंड द रूल विच इज नंबर ऑफ मैजिस्टिक्स इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। तो टोटल कितने मैजिस्टिक्स यहां यूज हुए हैं उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ट्रायंगल्स करके। इफ वी रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मैजिस्टिक्स बाय पी, अगर हम मैजिस्टिक्स के नंबर को पी से रिप्रेजेंट करते हैं एंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल बाय आर, और ट्रायंगल के नंबर को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, देन द अबव रूल कैन बी रिटन एज नंबर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मैजिस्टिक्स बाय 3। थस इफ द नंबर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म पी आर 5, अगर नंबर ऑफ ट्रायंगल पी क्या फॉर्म कर रहे हैं, 5, देन द नंबर ऑफ मैजिस्टिक्स आर यूज्ड आर इज गिवन बाय द आर इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 15। सो पी इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई 3 और आर इज इक्वल टू पी बाय 3। उसी को यहां पे एक किसके थ्रू शो किया गया है, सेम स्क्वायर बनाए गए हैं मैजिस्टिक्स के थ्रू, और सेम चीज आपको यहां पे अगेन समझाया गया है। अब हम देखते हैं कि ऑपरेशन ऑन लिटरल एंड नंबर्स। फर्स्ट क्या है, एडिशन। द सम ऑफ लिटरल एक्स एंड अ नंबर 6 इज एक्स प्लस 6। सो लिटरल क्या होता है, द लेटर्स विच आर यूज टू रिप्रेजेंट और रिप्लेस नंबर आर नोन एज लिटरल नंबर्स। तो वो लेटर जिनका इस्तेमाल किसको रिप्रेजेंट करता है, किसी एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, उसे हम लिटरल नंबर्स कहते हैं। तो लिटरल के रूप में हम क्या यूज करते हैं, अल्फाबेट्स। सो द सम ऑफ लिटरल एक्स एंड नंबर 6, सम मीन्स क्या होता है, प्लस करना। सो सम ऑफ लिटरल एक्स एंड अ नंबर 6 कैसे लिखेंगे उसको, एक्स प्लस 6। देन y मोर देन x इज रिटन एज, अगर हम y में x मोर करें सो क्या हो जाएगा, x प्लस y। फॉर एनी लिटरल्स a b c वी हैव a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a, a प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस a इज इक्वल टू a, एंड a प्लस b इन ब्रैकेट प्लस c इज इक्वल टू a प्लस इन ब्रैकेट बी प्लस सी। सब्ट्रैक्शन में कैसे होता है, 6 लेस देन अ लिटरल एक्स, तो क्या हो जाएगा उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स माइनस 6। वाई लेस देन एक्स इज एक्स माइनस वाई। देन मल्टीप्लीकेशन, 6 टाइम्स एक्स इज एक्स मल्टीप्लाई 6। जब हम बोलते हैं 6 टाइम एक्स, उसका मतलब क्या होता है, एक्स मल्टीप्लाई 6 रिटन एज 6x। द प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई, प्रोडक्ट का मीन्स क्या होता है, किसी दो नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं।
The product of x and y is x multiply y, written as xy. For any literals a, b, c, we have a multiply b is equal to b multiply a. A multiply 1 is equal to 1. A multiply in bracket a multiply b multiply c is equal to a in bracket b multiply c. And उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? A in bracket b plus c is equal to ab plus ac. A in bracket b multiply c is equal to ab multiply ac. Next है division. X divided by y is written as. जब x और y को divide position में show करना है तो कैसे लिखेंगे? X divided by y. मतलब हमें x को divide करना है y से. तो कैसे लिखेंगे? X by y. X divided by 6. मतलब कि x को divide करना है 6 से. So हम क्या लिखेंगे? X by 6. 34 divided by x. 34 को हमें किससे divide करना है? X से. So हम क्या लिखेंगे? 34 by x. अब हम देखते हैं कि एक्सरसाइज 7.1 में कैसे क्वेश्चंस दिए हैं. क्वेश्चन 1 में है, फाइंड अ रूल विच कनेक्ट द टू क्वांटिटीज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग टेबल. हमें यहाँ पे इस टेबल के अकॉर्डिंग रूल फाइंड करना है. जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ ए है जिसको ये नंबर है रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे ए 1, 2, 3, 4 और बी को 1, 3, 5, 7. तो इन नंबरों को देखकर क्या समझ में आ रहा है? इन नंबरों के लिए हम क्या लिख सकते हैं? ए. और इन नंबरों के बीच में कितने नंबर का डिफरेंस है? 2 नंबर के डिफरेंस है. सो हम क्या लिख सकते हैं? 2a-1. जैसे 2 1s are 2, 2 2s are 4, 4 में से -1 करेंगे तो 3. सो हम क्या लिख सकते हैं उसको? 2a-1. अगर हम 2a-1 को सॉल्व करें तो क्या आएगा? 2a-1, तो 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू हम पहले क्या ले सकते हैं? 2. सो 2 2s are 4. 4-1 क्या हो जाएगा? 3. तो ये आ गया 3. सो इसका रूल क्या बनेगा? b = 2a-1. तो आपको ये बॉक्स ड्रॉ करना है और उसके नीचे ये रूल लिखना है. नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? p. ये नंबर्स p को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये नंबर q को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो p 15 13 11 9. अब जैसा कि पैटर्न में दिख रहा है, यहाँ 15 है और q की वैल्यू 56 है. सो अगर हम 15 में से 1 को माइनस करते हैं तो क्या होता है? 14. और 14 4s are क्या होता है? 56. सो हमारा जो रूल है वो क्या बनेगा? q = 4 (p-1). सो आपको इसको भी ड्रॉ करना है और इसके नीचे ये रूल आपको लिखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द रूल विच गिव द नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड टू मेक द फॉलोइंग मैचस्टिक्स पैटर्न. यूज अ वेरिएबल टू राइट द रूल. हमें वेरिएबल का यूज करके, दैट मीन्स अल्फाबेट्स का यूज करके हमें रूल बनाना है. सो यहाँ पे दिया हुआ है ए पैटर्न ऑफ लेटर टी. हमें मैचस्टिक से टी का एक पैटर्न बनाना है. सो अगर हम टी बनाते हैं मैचस्टिक से, तो एक टी को बनाने के लिए हम कितना मैचस्टिक्स यूज करेंगे? 1, 2 and 3. तो अगर टी की संख्या 1 है, नंबर ऑफ टी 1 है, तो मैचस्टिक्स कितने यूज हुए? 3. देन अगर नंबर ऑफ टी 2 है, सो कितने मैचस्टिक्स यूज हुए? 6. देन नंबर ऑफ टी अगर हम 3 ड्रॉ करते हैं, सो मैचस्टिक्स कितने हो जाएंगे? 9. तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? नंबर ऑफ टी को एन से, एंड नंबर ऑफ मैचस्टिक्स कितने नंबर्स का गैप है इसमें? 3. सो हम इसको क्या लिखेंगे? 3. तो इसका रूल क्या बनेगा? 3 एन.
तो इस तरीके से आपको लिखना है इसको। नेक्स्ट क्या है, अ पैटर्न ऑफ यू। अगर हम यू का पैटर्न ड्रॉ करेंगे, सो यू का पैटर्न कैसे ड्रॉ कर सकते हैं हम, तो कितने मैजेस्टिक होंगे, 1, 2, 3। देन अगेन हम 2U अगर ड्रॉ करते हैं तो कितने मैजेस्टिक्स होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। देन अगर हम 3U ड्रॉ करते हैं तो कितने मैजेस्टिक्स होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सो इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, 1 है तो कितने कितने यूज होंगे, 1, 2, 3। और अगर 2 है तो कितने यूज होंगे, 6। और 3 है तो कितने यूज होंगे, 9। तो इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम एन से डिनोट कर सकते हैं, और इसको कितने नंबर का गैप है, 3। सो हम इसको भी कैसे इसका रूल बनाएंगे, 3N। इसी तरीके से ए अ पैटर्न ऑफ एस, एस ड्रॉ करने के लिए हमें हमारा जो रूल बनेगा वो होगा 5N, और पैटर्न ऑफ वी बनाने के लिए भी 2N। तो ये दोनों आपको कॉपी में ड्रॉ करना है लाइंस के थ्रू, और इसको लिखना है जैसे मैंने आपको यहां पे टी का बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग। अब हमें फ्रेम करना है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को। सो हाफ ऑफ अ नंबर एडेड टू 7। हाफ ऑफ अ नंबर, मान लेते हैं कि जो नंबर है वो एक्स है, तो उसका हाफ कैसे शो करेंगे हम, दैट मीन्स उसे हमें डिवाइड करना पड़ेगा दो पार्ट में। दैट मीन्स किसी भी नंबर का हाफ, दैट मीन्स उस नंबर को किससे डिवाइड करना है, 2 से। सो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स बाय 2, और एड करना है 7 को। सो एक्स बाय 2 प्लस 7। ए इंक्रीज्ड बाय 12, इंक्रीज करना मतलब प्लस करना। सो ए इंक्रीज्ड बाय 12, ए प्लस 12। 4 टाइम्स अ नंबर डिवाइडेड बाय अनदर नंबर। 4 टाइम्स अ नंबर, नंबर हम मान लेते हैं एक्स है, सो 4 टाइम्स अ नंबर 4x, एंड डिवाइडेड बाय अनदर नंबर डिवाइडेड बाय वाई। सो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 4x बाय वाई। थ्राइस एक्स एडेड टू वाई स्क्वायर। थ्राइस एक्स मीन्स 3x, एडेड मीन्स प्लस, वाई स्क्वायर मीन्स वाई स्क्वायर। नेक्स्ट है एक्स माइनस ट्वाइस वाई, दैट मीन्स एक्स माइनस ट्वाइस वाई मीन्स 2y। ट्वाइस द सम ऑफ अ नंबर एंड अनदर नंबर विच इज 3 मोर देन द फर्स्ट नंबर। तो ट्वाइस द नंबर, सम ऑफ अ नंबर, तो दो नंबर है जिनका सम करेंगे और वो ट्वाइस है, एंड देन उसमें क्या ऐड करना है, 3। सो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2 मल्टीप्लाई एक्स 2x, 2 मल्टीप्लाई एक्स 2x, सो क्या हो जाएगा, 4x, एंड 2 मल्टीप्लाई 3, 6, तो क्या हो जाएगा, 4x प्लस 6। तो आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्यूशंस के साथ अपने मैथ्स की कॉपी में लिखना है और इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है।